हम YouTube से देखकर बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन एक शख्स को YouTube से देखकर अपनी नाक की सर्जरी करना इतना महंगा पड़ गया कि वो अस्पताल पहुंच गया। क्या है ये पूरी खबर, इसे जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं हूं आपकी दोस्त मेघा और अजब गजब में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों को अपने शरीर की बनावट, खासकर चेहरे का कोई हिस्सा पसंद नहीं आता, तो वो प्लास्टिक सर्जरी की मदद से उसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें लाखों रुपए खर्च भी होते हैं। लेकिन भाई, शौक को पूरा करना है तो पैसे को क्या ही देखना। कई लोग विदेश में सर्जरी करवाते हैं। अब सर्जरी कराना जैसे खाना बनाने जैसा आसान हो गया है, लेकिन इस शख्स ने तो हद ही कर दी। इसने तो इंटरनेट से एक वीडियो देखा और खुद ही अपनी सर्जरी कर ली, लेकिन वो सर्जरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इसे आखिरकार डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा। ये शख्स ब्राज़ील के साओ पॉलो में रहता है और इसने वीडियो देखकर यूट्यूब से अपनी नाक की सर्जरी कर डाली। आप जानते हैं, इन दिनों यूट्यूब पर अलग अलग चीज़ों के ट्यूटोरियल, बेसिक से लेके हार्ड स्टेप सब कुछ डाले जाते हैं। इसमें खाना बनाने का आर्ट एंड क्राफ्ट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस शख्स ने ट्यूटोरियल देखकर नाक का ऑपरेशन यानी कि राइनोप्लास्टी कैसे करते हैं वो कर डाला। बताया जा रहा मामला हाल ही के 21 जुलाई का है, जब एक शख्स अपनी जांच करवाने अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों को उसकी नाक की जांच करने के बाद पता लगा कि उसकी नाक में जो घाव है वो भरा नहीं है, और वो घाव कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि सर्जरी के दौरान किया हुआ घाव है जिसे साफ करने की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने पूछा, ये तुमने क्या किया है? तो शख्स ने कहा, मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखकर नाक की सर्जरी कर डाली, क्योंकि मुझे नाक को पतला करना था और उसमें नाक को पतले करने की ट्रिक बताई थी। शख्स ने उतने एरिया को डिसइंफेक्टेड करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया, जबकि जानवरों को दिए जाने वाले एनेस्थिया से नाक को सुन्न कर लिया। ऑपरेशन के बाद उसने खुद से घुल जाने वाले धागे और सुपर ग्लू का इस्तेमाल करके अपनी चोट को बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसका घाव बढ़ता गया और उसे परेशानी होती गई, क्योंकि एक नौसिखिया चाहे कितनी भी वीडियोस देख ले, जिसका काम उसी को साझे। जब परेशानी ज़्यादा हो गई तब वो डॉक्टर के पास गया और उसकी सर्जरी को ठीक किया गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने एक एडवाइजरी भी जारी करी और लोगों को ऐसा करने से सख्त मना किया है, क्योंकि आप कोई भी सर्जरी करते हैं या बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे कोई भी दवाई ले लेते हैं, कोई भी ऑपरेशन खुद से कर लेते हैं, तो ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करे। अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।